तो मुझे लगा कि मैं वीआईपी हूँ, पर अभी तक वीआईपी नहीं बनी। मैं वीआईपी नहीं, अभी मेहनत करनी पड़ेगी वीआईपी बनने के लिए। ये कहना है बॉलीवुड की एक्ट्रेस नीना गुप्ता का, जिनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। दरअसल एक्ट्रेस नीना गुप्ता को बरेली एयरपोर्ट के रिजर्व वीआईपी लाउंज में एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि अभी मैं वीआईपी नहीं बनी हूँ, वीआईपी बनने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी सुनिए उनका ये पूरा वीडियो। हेलो, मैं बरेली एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। ये रिजर्व लाउंज है जहाँ मैं जाके एक बार बैठी थी, लेकिन आज मुझे अलाउ नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ये रिजर्व लाउंज माने वीआईपी के लिए होती, तो मुझे लगा कि मैं वीआईपी हूँ, पर अभी तक वीआईपी नहीं बनी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वीआईपी बनने के लिए। तो अच्छा है, इस बहाने मेहनत करूँगी वीआईपी बनने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू फैसल। दरअसल एक्ट्रेस नीना गुप्ता बीते दिनों उत्तराखंड के मुक्तेश्वर छुट्टी मनाने गई थी, जहां वो अक्सर अपने फ्री टाइम में समय बिताती हैं। मुक्तेश्वर से मुंबई की वापसी के लिए उन्हें बरेली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी थी। बरेली एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट का समय बुधवार दोपहर 2:25 पर था। नीना गुप्ता मुक्तेश्वर से वाया रोड होते हुए समय से करीब 1 घंटे पहले बरेली एयरपोर्ट पहुंच गई थी। यहां वो रिजर्व लाउंज में बैठने जा रही थी, लेकिन उन्हें बैठने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल होने के बाद फैंस नीना गुप्ता का समर्थन करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब इस पर एयरपोर्ट डायरेक्टर अवधेश अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रिजर्व लाउंज के बाहर केंद्र सरकार की ओर से जारी वीआईपी की लिस्ट लगी हुई है। नीना गुप्ता के आने की उन्हें जानकारी नहीं थी, अगर होती तो उसके लिए व्यवस्था की जाती। बहरहाल अब वजह जो भी हो, लेकिन नीना गुप्ता के इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस खासा गुस्से में नजर आ रहे हैं।